दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना खिलाते समय जाने अनजाने लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो धीरे धीरे हमारे परिवार के सुख को तबाह कर देती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार जीवन में ग्रह क्लेश या आर्थिक समस्याओं का कारण आपके ग्रह दोष और जाने अनजाने की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां भी हो सकती है। दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग खाना परोसते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं और ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि रोटी परोसते समय की जाने वाली गलतियां परिवार वालों की सेहत और आपसी रिश्तों पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो जान लेते हैं दोस्तों कि रोटी बनाते समय या रोटी परोसते समय हमें किन-किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, साथ ही इन नियमों को जानेंगे और आज के टाइम में उन नियमों की क्या प्रासंगिकता है उसको भी समझेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली चीज, यदि घर के किसी सदस्य की प्लेट में, यानी कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना नहीं भोजन कर रहा है, तो उसकी प्लेट में अगर पहली रोटी खत्म हो जाए तो दूसरी रोटी कभी हाथ में लेकर नहीं जानी चाहिए। जैसे बहुत से लोग, क्या रोटी बन रही है गरम गरम, तो फटाफट उठा के लेके जाएंगे और खाना खा रहे भोजन कर रहे व्यक्ति की प्लेट में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी को हमेशा किसी प्लेट में रख कर ले जाएं, फिर थाली में सर्व करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि हाथ में लेकर रोटी परोसने से परिवार के लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो सकता है। वैसे भी अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली भी सोचे कि एक व्यक्ति है, गर्म रोटी हाथ में लेकर जाएगा तो उसके हाथ को गर्म लगेगा, साथ ही रोटी का जो घी है वो भी हाथों में सन जाएगा। और दोस्तों, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोटी हमेशा आपको प्लेट में ही सर्व करें, और हो सके तो रोटी की जो प्लेट है उसे दूसरी प्लेट से कवर करके रखें, ताकि उसे क्या होगा, एक तो रोटी सूखेगी नहीं और दूसरी पंखे की हवा या एसी की हवा की वजह से वो जो है वो ठंडी भी नहीं होगी। तो आप एक्स्ट्रा रोटी भी प्लेट में रख सकते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है दोस्तों, अक्सर आपने घर के बुजुर्ग लोगों को ये कहते सुना होगा कि थाली में कभी भी एक साथ तीन रोटियां नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि तीन नंबर को हम बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं और मान्यता है कि थाली में एक साथ तीन रोटी रखकर खाने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है और इसका प्रभाव घर की सुख शांति पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविक वजह ये भी है कि एक साथ अधिक रोटी सर्व करेंगे तो रोटी जो है वो वेस्ट होने की भी टेंशन रहेगी, और वैसे भी जितना चाहिए उसे धीरे धीरे भी लिया जा सकता है। एक एक दो दो करके भी हम रोटी सर्व कर सकते हैं, उससे खाने वाले को भी अंदाजा रहेगा, उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार ही रोटी वो खाएंगे, तो उससे किसी तरह का हेल्थ इश्यू भी नहीं होता है। तीसरी चीज ये है कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वह रात को रोटी बनाने के बाद आटा जो बच जाता है उसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से इसे गलत माना जाता है। मान्यता है कि बासी आटे की रोटियां बनाने से और उसे खाने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में जो ये बचा हुआ आटा होता है ना, ये अपशकुन का प्रतीक है। एक्चुअली ये इसलिए अपशकुन माना जाता है क्योंकि जब किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो चूल्हा या गैस नहीं जलती, और ऐसी दशा में अगर आटा लगा के रखा हो तो उसे यूज नहीं किया जाता है, और अगर हम आटा रखते हैं तो ये उसी अपशकुन की ओर इशारा करता है। और दूसरा कारण ये भी है कि उस समय फ्रिज की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन दोस्तों, वजह जो भी हो, अगर आटा अधिक लग जाए तो बचे हुए आटे की थोड़ी बड़ी साइज की आप रोटी बना ले, थोड़ी मोटी बना ले और उसे जानवरों को, पक्षियों को डाल दे। इससे आपको जो है आटा रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपकी रोटियां भी यूज हो जाएगी और साथ ही किसी प्राणी का पेट भी भर जाएगा। फ्रीज में रखे आटे की रोटी दोस्तों हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है और वो अच्छी भी नहीं बनती है। इसलिए जहाँ तक हो सके, सबसे पहली बात कि आटा जितना रिक्वायरमेंट हो उतना लगाएं, अधिक लग जाए तो उसकी रोटी बना लें, और फिर उसके बहुत सारे ऑप्शन जहाँ आप उनको यूज़ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आटा लगाने के बाद उसे फ्रिज में ना रखें। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।